एक रूम थी, उस रूम के कोने में एक जगह थी जहाँ पे आप बर्तन धो सकते हो, और वहाँ पे एक ड्रम था। वो जो रूम थी वो कुछ वर्कर्स लोगों की थी। उनमें से एक बंदे ने हमें कॉल किया, हम वहाँ पे पहुंचे तो वो बोल रहे थे कि वहाँ उस कोने में कोई तो भी छुपा है। तो हम वहाँ पे ढूंढ रहे थे, अचानक से हमें वहाँ के फुसफुस करके ऐसा आवाज आ गया। हमने देखा कि ड्रम के पीछे कोबरा है, और ये थोड़ा चिड़ा हुआ कोबरा था। नॉर्मली जो कोबरा होते हैं वो बोलते कि अरे चलो रेस्क्यू के लिए आए हैं, अभी हम जंगल में छूट जाएंगे, पर ये कोबरा जो था वो थोड़ा इरिटेट हो चुका था। तो उस टाइम हमने क्या किया कि जो जो कोबरा को भागने के लिए जो जगह थी वो पैक कर लिए, और फिर कोबरा को वहां से निकाला। हमने बैग सेट कर ली थी। 95% जो सांप होते हैं वो आराम से बैग के अंदर जाते हैं, फिर हम बैग को टाई करते हैं। तो ये कोबरा बैग के अंदर तो चला गया, पर जब विशाल उस बैग को टाई करने के लिए गया तो अचानक से वो बैग से बाहर आ गया। फिर बहुत जद्दोजहद के बाद उस कोबरा को फिर से हमने बैग में डाला, फिर बैग पैक करके हम वहां से वापस आ गए। तो ये हमारे लिए एक लेसन लर्न था कि जब भी हम रेस्क्यू बैग टाई करने जाते हैं, ये इंश्योर करें कि स्नेक जो है वो बैग के कंप्लीटली अंदर जा चुका है।